The objective of this channel to help you how to trading investing in basis of chart patterns or consult your financial advisor before taking any investment. नमस्कार, वेलकम टू योर चैनल चार्ट विद ट्रेड। आपके स्क्रीन के सामने जो चार्ट ओपन हुआ है रिलैक्सो फुटवेयर्स का, और यहाँ पे टाइम फ्रेम सिलेक्ट किया है वीकली। जैसे कि प्रीवियसली वन मंथ पहले हम यहाँ पे प्री अटेम्प्ट किए थे विथ वाटर टेस्ट क्वांटिटी, जो कि प्राइस एसएल को ट्रिगर कर दिया था, लेकिन फिर से अभी एक बुलिश सेट ऑफ प्राइस क्रिएट कर रहा है। जैसे कि देखिए, प्राइस यहाँ पे ईयर 2017 में यहाँ पे बॉटम फॉर्मेशन किया था। उसके बाद प्राइस जब भी देखिए इस ब्लू लाइन को टेस्ट किया है ना, प्राइस को देखिए मल्टीपल टाइम यहाँ पे डिमांड देखने को मिला है। एंड फाइनली 2023 में और 2024 में दो बार देखे प्राइस उसका मोमेंटम लाइन, जो कि मल्टी ईयर का ट्रेंड लाइन है ना, उसी लेवल को टेस्ट कर रहा है। एंड एग्जैक्टली लास्ट देखिए प्रीवियस वीक में प्राइस जो यहां पे उसका मल्टी ईयर का सपोर्ट के आसपास एक हैमर कंस्ट्रक्ट किया है, एंड अभी हैमर को ब्रेकआउट कर दिया है। देखिए प्राइस जिस टाइप का यहां पे स्ट्रक्चर शो कर रहा है, बड़ा टाइम फ्रेम का रिवर्सल का कंफर्मेशन तभी मिलेगा जब स्टॉक का प्राइस यहां पे 975 लेवल को ब्रेक करेगा, जो कि इस स्विंग है। जब तक प्राइस यहां पे 975 लेवल को ब्रेक नहीं कर रहा है, तब तक हम यहां पे वाटर टेस्ट क्वांटिटी कंसीडर कर सकते हैं। और जैसे ही इस लेवल को ट्रिगर कर देगा, उसके बाद आने वाले टाइम में यहां पे बड़ा मूवमेंट आ सकता है। अगर अभी मैं आपको मंथली टाइम फ्रेम में दिखाऊंगा, तो देखिए मंथली टाइम फ्रेम में प्राइस यहां पे डबल बॉटम पैटर्न यहां पे कंस्ट्रक्ट कर रहा है विद आरएसआई एंड एमएसडी डाइवर्जेंस। अगर आप यहां पे देखेंगे तो मंथली टाइम फ्रेम में देखिए यहां पे आरएसआई डाइवर्जेंस क्रिएट कर रहा है, एंड यहां पे प्राइस एक डबल बॉटम पैटर्न वन बॉटम टू, एंड जैसे इस स्विंगाई 975 को ब्रेक करेगा, उसके बाद डबल बॉटम पैटर्न का यहाँ पे कॉन्फर्मेशन मिल जाएगा। एंड प्रोबेबिलिटी हाई है कि आने वाले टाइम में लाइफ हाई को टेस्ट कर सकता है। ये तो हो गया मंथली चार्ट में जहाँ पे आरएसआई का डाइवर्जन शो कर रहा है। अगर वीकली चार्ट में देखेंगे, वीकली चार्ट में क्लियर कट देख सकते हैं, यहाँ पे आपको एमएससीडी का डाइवर्जेंस शो कर रहा होगा। प्राइस देखिए लोअर लो कंस्ट्रक्शन किया है, लेकिन जो एमएससीडी है ना, अभी तक लोअर लो कंस्ट्रक्शन नहीं किया है। इसका मीनिंग ये कि यहाँ पे इंडिकेटर में डाइवर्जेंस शो कर रहा है, जो कि एक पॉजिटिव डाइवर्जेंस है। मंथली चार्ट में आरएसआई का डाइवर्जेंस, वीकली चार्ट में एमएसडी का डाइवर्जेंस, जिसके वजह से प्रोबेबिलिटी हाई है कि आने वाले टाइम में यहां पे आउट परफॉर्मेंस मिल सकता है। उसके साथ देखिए स्टॉक का प्राइस उसका मल्टी ईयर का सपोर्ट के आसपास ट्रेडिंग कर रहा है, जो कि एक सिग्नल है कि यहां पे डाउनसाइड जो है लिमिटेड। जैसे कि हम मल्टीपल टाइम एनालिसिस किए कि जब भी किसी भी स्टॉक का प्राइस उसका मल्टी ईयर का सपोर्ट के आसपास ट्रेडिंग करता है, वो सबसे लो रिस्क जोन होता है। एंड जिस टाइप का प्राइस ऑफ उसका मल्टी ईयर का सपोर्ट के आसपास डबल बॉटम पैटर्न कंस्ट्रक्शन किया है, एंड यहां पे मल्टीपल इंडिकेटर में डाइवर्जेंस शो कर रहा है, उसकी वजह से यहां पे डाउनसाइड तो लिमिट शो कर रहा है। लेकिन यहां पे प्राइस स्ट्रक्चर कंफर्म होगा, और जो मेजर क्वांटिटी जाएगा तभी जब प्राइस यहां पे 975, जो कि इस डबल बॉटम पैटर्न का नेकलाइन है, उसको ब्रेक करेगा। तब तक यहाँ पे हम वाटर टेस्ट क्वांटिटी कंसीडर कर सकते हैं हैमर का लो के नीचे एग्जिट पॉइंट डिसाइड करके, क्योंकि देखिए प्राइस यहाँ पे उसका मेजर सपोर्ट के आसपास हैमर कंस्ट्रक्ट किया है। अगर इस हैमर का लो को प्राइस ब्रेक नहीं करेगा, तो आने वाले टाइम में कंटिन्यूएशन ऑफ मूव आ सकता है। एंड जो हैमर का लो बन रहा है बिलो 762, देखिए क्वांटिटी एलोकेशन इंपॉर्टेंट है, कहाँ पे मेजर क्वांटिटी एड करना है, कहाँ पे वाटर टेस्ट क्वांटिटी लेना है, सारा गेम है क्वांटिटी का। अगर क्वांटिटी को सही टाइम में सही यूटिलाइज करेंगे, तो आपका लॉस मेजरली नहीं होगा। जैसे कि जब तक प्राइस कंफर्म नहीं हो रहा है, वहां पे अगर वाटर टेस्ट होल्ड करेंगे, अगर वहां पे एसएल होगा भी ना, वहां पे लॉस जो होगा मिनिमल होगा। लेकिन जब एक बार ट्रेंड कंफर्मेशन हो जाता है, उसके बाद मेजर क्वांटिटी जा सकता है। आई होप कि आप डिटेल्स एनालिसिस रिलैक्सो फुटर का प्राइस स्ट्रक्चर का समझ पा रहे होंगे। एंड जैसे ही 975 को ट्रिगर करेगा, इस लाइफ हाई को टेस्ट करने का प्रोबेबिलिटी वेरी हाई। अभी हम चलते हैं राशो चार्ट के ऊपर, रिलैक्स फुटवेयर वर्सेस निफ्टी 500 का राशो चार्ट। ये राशो चार्ट अभी उसका मल्टी ईयर का सपोर्ट के आसपास ट्रेडिंग कर रहा है। एज पर द प्राइस एक्शन, अगर प्राइस कभी भी उसका मेजर रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट कर लेता है, जो कि ये लेवल था, ब्रेकआउट करने के बाद अगर प्राइस पुल बैक करेगा, वही मेजर रेजिस्टेंस अभी के लिए आपका चाहिए सपोर्ट। एग्जैक्टली देखिए रिलैक्स ऑफ फुटवेयर वर्सेस निफ्टी 500 का राशो चार्ट उसका मल्टी ईयर का सपोर्ट के आसपास आ गया है। इसका मीनिंग है कि राशो चार्ट बोल रहा है रिलैक्स फुटवेयर जो है निफ्टी 500 को आने वाले टाइम में आउट परफॉर्म कर सकता है। एंड राशो चार्ट क्या है, राशो चार्ट को आप कैसे यूज कर सकते हैं, चैनल में एक सेपरेट वीडियो है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आई होप कि आप अभी राशो चार्ट को समझ पा रहे होंगे। अब हम चलते हैं रिलैक्स फुटवेयर प्लस बाटा इंडिया का कस्टमाइज इंडेक्स के ऊपर। अगर आप यहाँ पे इस कस्टमाइज इंडेक्स को देखेंगे, उसका मेजर सपोर्ट के आसपास आ गया है। ये रेड लाइन को देखिए, प्राइस यहाँ पे मल्टीपल टाइम रेस्पेक्ट दिया है, एंड प्राइस देखिए यहाँ पे डाउन ट्रेंड चैनल को ब्रेकआउट कर दिया है। एज पर द प्राइस एक्शन, अगर प्राइस कभी भी किसी भी
रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट करके पुल बैक करता है जो प्रीवियसली रेजिस्टेंस था, अभी के लिए सपोर्ट जैसा काम करेगा। प्रोबेबिलिटी हाई है कि देखिए उसी लेवल के आसपास ट्रेडिंग कर रहा है। पहले तो मल्टीयर का सपोर्ट लाइन रेड लाइन जा रहा है, उसके साथ जो डाउन ट्रेंड का अपर बाउंड्री था ब्लू लाइन, वो भी अभी के लिए एक्ट एज ए मेजर सपोर्ट। यहाँ पे एक मेजर सपोर्ट के आसपास ट्रेडिंग कर रहा है, थोड़ा सा डाउन साइड पॉसिबल है, तो यहाँ से भी इस सेक्टर आउट परफॉर्म कर सकता है। देखिए जैसे कि लिबर्टी शो हो गया, कैंपस फुटवेयर हो गया, ये सारा स्टॉक यहाँ पे ऐड इसलिए नहीं किया हूँ क्योंकि यहाँ पे अगर मैं कैंपस फुटवेयर मेट्रो ब्रांड्स को ऐड करूंगा इस कस्टमाइज इंडेक्स के ऊपर तो यहाँ पे चार्ट स्मॉल हो जाएगा क्योंकि उनका हिस्ट्री ज्यादा नहीं है, क्योंकि रिलैक्सो फुटवेयर एंड बाटा इंडिया का हिस्ट्री ज्यादा है, इसलिए मैं इस दोनों स्टॉक यहाँ पे कस्टमाइज इंडेक्स में ऐड किया हूँ। अब हम चलते हैं रिलैक्स फुटवेयर वर्सेस बाटा इंडिया का, क्योंकि कस्टमाइज सेक्टर कंस्ट्रक्ट किए हैं, यहाँ पे हम उसका रेशियो चार्ट को देख लेते हैं। रिलैक्स फुटवेयर प्लस बाटा इंडिया डिवाइडेड बाय निफ्टी, यहाँ पे क्लियर कट देख सकते हैं रेशियो चार्ट में, उसका मल्टीयर का सपोर्ट के आसपास ट्रेडिंग कर रहा है। देखिए इस दोनों स्टॉक को आप यहाँ पे नाम दे सकते हैं, लेदर सेक्टर या फुटवेयर सेक्टर। ओके यहाँ पे देखिए रेड लाइन जो जा रहा है मल्टीयर का सपोर्ट इस लेवल के आसपास जब भी आया है ना, उसी लेवल से इस सेक्टर आउट परफॉर्म किया है निफ्टी 50 को। एग्जैक्टली देखिए आफ्टर 12 इयर्स फाइनली प्राइस फिर से उसका मेजर सपोर्ट को टेस्ट कर रहा है, तो प्रोबेबिलिटी हाई ही कि यहाँ से आउट परफॉर्मेंस आ सकता है इस सेक्टर में, लेदर सेक्टर में। रिलैक्स फुटवेयर में यहाँ पे मल्टीपल डाइवर्जेंस हो रहा है जिसकी वजह से रिलैक्स फुटवेयर यहाँ पे आने वाले टाइम में आउट परफॉर्म कर सकता है, लेकिन टिल नाउ जब तक प्राइस यहाँ पे 975 लेवल को ब्रेक नहीं कर रहा है तब तक आप यहाँ पे वाटर टेस्ट क्वांटिटी के साथ होल्ड कर सकते हैं। जैसे ही प्राइस ट्रिगर कर देगा 975 लेवल को, नहीं तो और कुछ बुली सेटअप जैसे कि हमारा 1-2-3 सेटअप जैसा क्रिएट कर देगा, उसके बाद आप मेजर क्वांटिटी को ऐड कर सकते हैं, जो कि चार्ट में यहां पे क्लियरली साइन दिखाई दे रहा है। प्राइस उसका मल्टीयर का सपोर्ट के आसपास हमर कंस्ट्रक्ट किया है जो कि बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न, अगर आफ्टर ए स्ट्रांग डाउन ट्रेंड किसी भी मेजर सपोर्ट के आसपास ट्रेडिंग करता है, जैसे उसी कैंडल का हाई को ब्रेक करेगा एंट्री, लो के नीचे स्टॉप लॉस प्लेस कर सकते हैं। अगर आप इस कैंडल का लो पॉइंट देखेंगे वो बन रहा है बिलो 762 के आसपास। आई होप कि आप डिटेल्स एनालिसिस समझ पा रहे होंगे एंड क्वांटिटी को मैनेज कीजिएगा। कुछ डाउट है वीडियो नीचे कमेंट कीजिएगा, वीडियो अच्छा लगा वीडियो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।